हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। और जो मेरी आज की स्टोरी है वो एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस की है जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका जो अंत था बहुत ही भयानक और ख़तरनाक था। आज की स्टोरी जो है एक एक्ट्रेस जिसका नाम वीरा सुंदर सिंह, जिसको प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। प्रिया राजवंश का जन्म शिमला में 30 दिसंबर 1936 को हुआ था। ये उस वक्त की बात, देवानंद के भाई चेतन आनंद एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था हकीकत। उस मूवी के लिए उनको एक नया चेहरे की जरूरत जो कि बहुत सुंदर होना चाहिए, और उनको ऐसा कोई चेहरा इंडस्ट्री में मिल ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उनकी जो वाइफ थी वो उनको एक तस्वीर दिखाती हैं जिस जो कि प्रिया राजवंश की थी। फोटो को देखते के साथ ही जो चेतन आनंद थे उनकी तलाश बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपनी जो लीड एक्ट्रेस है वो प्रिया राजवंश को ही लेंगे इस मूवी के लिए। और फिर प्रिया जब आती हैं और मिलती हैं उनसे, चेतन आनंद उनको देख करके बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उस वक्त जो चेतन आनंद थे अपनी वाइफ और अपने बच्चों से अलग हो चुके थे। अब धीरे धीरे जो चेतन आनंद और प्रिया की दोस्ती होनी शुरू हो जाती है, और बहुत जल्दी ही ये जो दोस्ती थी एक रिलेशनशिप में बदल गई। प्रिया और चेतन आनंद दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लग गए। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और सारे इंडस्ट्री के लोग उनको हस्बैंड वाइफ ही मानते थे। फिर 1997 का एक मनहूस दिन आता है और उस दिन चेतन आनंद की डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी थी आधे से ज़्यादा प्रिया राजवंश के नाम किया था, और जो उनके दोनों बेटे विवेक आनंद और केतन आनंद उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी ये बात। वो प्रिया से बहुत बुरी तरीके से नफरत करते थे। फिर क्या होता है कि ये दोनों ही बेटे प्रिया राजवंश के जो सी साइड बंगलो था वहां पे आ जाते हैं, वहां पे रहने लगते हैं, और उसके बाद वो प्रिया को रोज नए नए तरीके से परेशान करते हैं। प्रिया राजवंश बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो हेल्प मांगती है देवानंद और विजय आनंद से कि ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। और साथ ही जो दोनों बेटे थे उन्होंने प्रिया राजवंश के जो नौकर थे अशोक और मधु को दोनों को अपनी साइड मिला लिया, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक प्लानिंग करनी शुरू करी। उन्होंने प्रिया राजवंश को अपने रास्ते से हटाना चाहा, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद अगर प्रिया नहीं रहेगी तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम आ जाएगी। और उन्होंने कई बातें सोची, कई बार उन्होंने सोचा कि प्रिया को पॉइजन दे देते हैं या एक्सीडेंट करा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम बीच में आए। और फिर आता है मार्च 2000 का दिन। उस दिन घर में अशोकन, मधु और प्रिया ही थे और दोनों बेटे घर में नहीं थे। तो सुबह का वक्त था और जो मधु थी एक कप चाय बनाती है, उसमें कुछ मिलाती है और उसके बाद वो चाय वो प्रिया को देती है। प्रिया जैसे ही चाय को पीती है, पीने के बाद वो एकदम से बेहोश हो जाती है। मधु जाती है जल्दी से और एक दुपट्टा लेकर के आती है। दुपट्टा वो अशोकन को देते हैं और अशोकन दुपट्टे को जल्दी से प्रिया के गले में लपेट देता है और उसको खींच के दोनों तरफ से उसका गला घोट के उसको मार देता है। और उसके बाद वो जल्दी से दूसरे रूम में जाता है, दूसरे रूम में फ़ोन करता है, वहाँ से कुछ उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और वो जल्दी से वापस आता है, मधु का हाथ पकड़ता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। अभी वो कुछ दूरी पे ही पहुंचे तो अचानक अशोकन को लगा कि उसका कुछ सामान
प्रिया के आसपास ही छूट गया है। वो जल्दी जल्दी वापस जाते हैं घर में, और जा करके जब जैसे ही वो प्रिया के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिया अभी जिंदा है। जैसे ही जब ये देखते हैं तो वो अशोकन मधु को आंख के इशारे से कुछ बोलता है, और मधु जल्दी से भाग करके बाथरूम में जाती है, और वहाँ से वो एक लकड़ी की जो थापी जिससे कपड़े धोते हैं उठा के आती है और अशोकन के हाथ में दे देती है। अशोकन जैसे ही उसको पकड़ता है, और उसके बाद वो प्रिया के सर में जोर जोर की मारना शुरू करता है, और जिसकी वजह से प्रिया मर जाती है। और कुछ टाइम के बाद जब ये मामला बाहर आता है तो वहाँ पे बॉलीवुड में हलचल मच जाती है, चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने चारों को उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। लेकिन फिर बाद में वो लोग हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं, और फिर 2011 में ही चारों को जो हाई कोर्ट थी कुछ जुर्माना उनके ऊपर करती है, और उसके साथ ही उन लोगों को फ्री कर देती है। लेकिन अभी तक जो ये प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट में ही चल रहा है। तो देखा आपने पैसों के लालच में इस एक्ट्रेस की कितनी भयानक मौत हुई, और ऐसे ही किस्से कहानियां मैं आप लोगों के सामने लेकर के आती रहूंगी। और मेरी कहानी यही खत्म होगी, मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्ते।